हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द जे एन स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और द जे एन स्मार्ट क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। ओके डियर फ्रेंड्स, क्या लेकर के आया है? ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। और आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में हम क्या सीखेंगे आगे हम बताएंगे तीसरे दिन। और ये जो कंप्यूटर क्लासेस हैं वो कहाँ कहाँ पर, जो आज के कंप्यूटर क्लासेस हैं इसका एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, क्या केवल ट्रिपल सी में ही यूज कर सकते हैं आज की क्लासेस को, तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे आपको दिखाया गया है द जेईएन ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस लेकर के आया है, तो ये ऑल कंपटीशन में अवेलेबल, मतलब ये जिस लेवल ऐसे लेवल तक द जेईएन स्मार्ट क्लासेस आपको तैयार करेगा कि मतलब किसी भी कंपटीशन, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क का हो, मतलब किसी भी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एक नंबर दो नंबर या तीन नंबर का तो पूछता ही पूछता है। और उसके साथ साथ मेरे मित्र ट्रिपल सी आपकी कंप्लीट कोर्स यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, किसकी? कंप्यूटर की। ओके मेरे मित्रों, ठीक। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, डबल प्रॉफिट देख रहे हैं। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, एक नंबर दो नंबर या तीन नंबर अगर मैं पूछ रहा है तो उसको आप लेकर के आइए, और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आप यहाँ से लेकर के जाइए। ओके मेरे मित्रों, तो इस लेवल तक आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। और हाँ मेरे मित्र, यूपी ट्रिपल एससी की इसमें वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कम से कम 40 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे मित्र। ठीक है, तो ये 40 से 60 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे मित्र। एक एक नंबर से सिलेक्शन से हटते हैं लोग, एक एक नंबर से लोग छंट जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा चुनाव है उन लोगों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए। तो वो लोग इस पर फोकस कर रहे हैं और वो 40 से 60 नंबर यहाँ से ले रहे हैं, उनका डबल फायदा हो जाएगा। 40 से 60 नंबर तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ ट्रिपल सी की भी क्लासेस उनकी कंप्लीट हो जाएंगी और वो एग्जाम दे करके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके मेरे मित्रों, तो आगे बढ़ें, देखते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में द जेईएन के संग। ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, ट्रिपल सी भी अवेलेबल है, और मिशन यूपी ट्रिपल एससी वाले एक मिशन बना के चलिए, क्योंकि जब तक मिशन बना के नहीं चलेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि मंजिल तो मिल जाएगी लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, लेट अस स्टार्ट नाउ विद द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। तो आइए द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ अपने क्लासेस को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में आप क्या पढ़ने वाले हैं मेरे मित्र, क्या पढ़ने वाले हैं तीसरे दिन में? डियर फ्रेंड्स, तीसरे दिन में आप पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं आज लिए, तो आपका कोई भी मॉडल नंबर हो, कोई भी मॉडल नंबर, जैसे G2 है, और यही कुछ दिन बाद देखते हैं G7 निकल के आता है, G8 निकल के आता है, और ऐसे ही ना जाने कितने मॉडल निकल के आते हैं। तो मेरे मित्र, ये क्या होता है, इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेज होते हैं जिसके कारण ये मॉडल नंबर चेंज हो जाता है, या तो उसकी साइज बढ़ा दी जाएगी, या तो कम कर दी जाएगी, या तो उसमें रैम बढ़ा दिए जाएंगे, या तो उसमें प्रोसेसर बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब ये सारी बातें होती हैं कि मतलब समय समय पर वो कंपनी अपना बदलाव हमेशा करती रहती है। उसी तरह से मेरे मित्र कंप्यूटर के सेक्टर में भी है। अगर मैं कंप्यूटर आज लेते हैं तो उसकी जो मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं वो कुछ और होंगी, लेकिन वही एक साल दो साल बाद लेंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा, उसमें और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं मेरे मित्र। ऐसे ही टेक्निकल को ही इशू बना करके आपको ये जनरेशन, ठीक, जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, इसको ध्यान में कैसे रखा गया, कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो समय समय पर चेंज होती गई, और समय समय पर चेंज होती गई तो उसी के आधार पर कह दिया गया ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन है, और आज के डेट में आपके अर्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रही हैं।
मतलब सेवंथ जनरेशन एर्थ जनरेशन की कंप्यूटरें चल रही हैं, ठीक है, तो हम कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर के ही बारे में तो जनरेशन को देखेंगे, मोबाइल के बारे में थोड़ी ना देखेंगे। तो अब देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में हो गया, क्या परिवर्तन हुआ तो सेकंड जनरेशन में चला गया, क्या परिवर्तन हुआ तो थर्ड जनरेशन में चला गया, इस तरह से मतलब कौन कौन से जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी बातें आपको आज हम बताएंगे। और हाँ मेरे मित्र, ये मत, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मैं आप लोगों के पास उतना ही नॉलेज लेकर के आता हूँ, मैं आपके पास उतना ही कंटेंट लेकर के आता हूँ जितना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ मेरे मित्र, किसी किताब को उठा लीजिए और देख लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें किताब में मिलेंगी भी नहीं, ठीक है मेरे मित्र, इससे ज़्यादा मिलेंगी भी नहीं। और जितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं उतनी चीज़ें आपको लर्न करा दिया जाएगा, याद करा दिया जाएगा। ओके मेरे मित्र, आते हैं देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझ गए मेरे मित्र क्या होता है, क्या होता है, कुछ टेक्निकल परिवर्तन हो जाते हैं समय समय पर, कुछ टेक्निकल परिवर्तन होते हैं, उसी टेक्निकल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जनरेशन बना दिया गया कि ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये सेकेंड जनरेशन का है। तो समझ में आ गया जनरेशन क्या है। ओके मेरे मित्र, अब हम देखते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हुए, वो कौन कौन सी बातें थी जिससे, जिसको फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन, अन्य किसी भी जनरेशन में रखा गया। तो मेरे मित्र, अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात किया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो इस फर्स्ट जनरेशन में यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। ओके मेरे मित्रों, और इसकी देखिए मतलब टाइम क्या है, इसका समय काल क्या है। तो मेरे मित्र, 1946 से जिसमें भारत देश आज़ाद होने वाला था उस समय से लेके 1954 तक है मेरे मित्र। तो समझ में आया, फर्स्ट, पहले देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1946 से 1954 तक है। तो ये इतना आप लोगों को याद हो गया। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ओके मित्रों, कौन सी, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक, ये दूसरा पॉइंट आपका रहा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा मेरे मित्र, तो एग्जाम में पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब जो था उसको किसने बनाया, किसने निर्माण किया, किसने उसका आविष्कार किया, किसने डेवलप किया वैक्यूम ट्यूब को। तो ये सारी बातें पूछेगा और उसका केवल एक जवाब होगा, ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया। और कब किया था मेरे मित्र, ये 1908 ईस्वी में ही, 1908 में ही इसका निर्माण हुआ। लेकिन इसका कंप्यूटर में यूज कब हुआ, 1946 से 1954 के बीच में हुआ, ठीक है मेरे मित्र। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप लोग जान गए कि नहीं जान गए, और वैक्यूम ट्यूब क्या होता है और वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, तो मेरे मित्र वैक्यूम ट्यूब जो होता है, आप 100 वाट की बल्ब देखते होंगे, आगे थोड़ा सा गोल सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जिस तरह से 100 वाट का बल्ब होता है उसी तरह से वैक्यूम ट्यूब होता है, ठीक। तो दो पॉइंट आपको याद हो गया होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, मतलब फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब के जो की आविष्कार की खोज किसने की, ली डी फॉरेस्ट ने की, कब की थी, 1908 में, और इसका कंप्यूटर में यूज कब हुआ, 1946 से 1954 में। ओके मेरे मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं वैक्यूम ट्यूब के आगे, अब देखते हैं स्टोरेज, जैसे स्टोरेज की बात जैसे ही है हम सब करते हैं, आप लोगों के मन में क्या याद आता होगा, मेमोरी कार्ड, चिप, तो ये सारी बहुत से स्टोरेज होते हैं, ठीक। तो आप मेमोरी कार्ड को, चिप को याद करते होंगे, आज के डेट में चिप का यूज किया जाता है। लेकिन मेरे मित्र, आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, ठीक, तो कुछ दशक पहले ये आपका चिप नहीं मिलता था, तो क्या मिलता था मेरे मित्र, मैग्नेटिक ड्रम मिलता था और मैग्नेटिक कोर मिलता था, इसी पर आपके स्टोर किए जाते थे, जितने भी डाटा होते थे इसी पर स्टोर किए जाते थे, मैग्नेटिक ड्रम पर, मैग्नेटिक कोर पर। ओके मेरे मित्र, समझ में आया, उस समय स्टोरेज, जैसे आज के समय में
चिप के अंदर स्टोर किया जाता है, उसी तरह से उस समय मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक कोर के अंदर स्टोर किया जाता था। और हाँ मेरे मित्र, आपको एक चीज और हम बता दें, क्या बता दें, जो प्राइमरी मेमोरी कार्ड है, जो प्राइमरी मेमोरी कार्ड है वो मैग्नेटिक कोर होती है। ठीक, प्राइमरी पूछ लेता है कि जो प्राइमरी मेमोरी कार्ड है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कोर कहते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी कार्ड है उसको मैग्नेटिक ड्रम कहते हैं। ओके मेरे मित्रों, ये इतनी समझ में आ गई, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ें तो देखिए, आज के डेट में इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप क्या यूज करते हैं मेरे मित्र, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इनपुट के रूप में आप यूज करते हैं। लेकिन उस समय मेरे मित्र 1946 से 1954 के बीच में आपके पास कीबोर्ड भी नहीं था, माउस भी नहीं था, तो किसका यूज करते थे उस समय मेरे मित्र, पंच कार्ड का यूज करते थे और पेपर टेप का यूज करते थे। ठीक है मेरे मित्र, इसी के माध्यम से आप क्या करते थे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे, कंप्यूटर को निर्देश देते थे। ओके मेरे मित्र, और जिस तरह आज के डेट में क्या करते हैं कि मतलब आपके पास मॉनिटर होता है और एक प्रिंटआउट प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय आपके पास क्या मॉनिटर नहीं होता था। मॉनिटर मिस होता क्या है, क्योंकि आप पिछला लेक्चर देखते रहिए, थर्ड लेक्चर है, पिछले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख लेंगे, तब इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे मित्र, मॉनिटर क्या होता है, जिस पर आप मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के माध्यम से दिए, तो पहले क्या होता है, यहाँ से जाके यहाँ आपको डिस्प्ले पर दिखता है, सीन होता है, और फिर आप उसको क्या करते हैं, प्रिंटआउट पर प्राप्त कर लेते हैं, प्रिंटआउट के माध्यम से एक पेज के रूप में इस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मॉनिटर हुआ, ये प्रिंटर हुआ, ये कीबोर्ड हुआ, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से उसको आउटपुट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरे मित्र ये चीज़ रही। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इनपुट के रूप में जो कीबोर्ड का यूज होता था वहाँ पर, अब यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें कीबोर्ड यूज नहीं होता था, पंच कार्ड और पेपर टेप यूज होता था। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में यही पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस कौन कौन से थे, उसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा पंच कार्ड एंड पेपर टेप। आप कीबोर्ड का नाम नहीं लेंगे मेरे मित्र, मैं बताऊंगा कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, मैं बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक, तो कीबोर्ड और माउस का यूज नहीं किया जाता था, पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था। अब आउटपुट हमको प्राप्त करना है, तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए आपको डिस्प्ले पर, पहली बात वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता था, डिस्प्ले कहाँ होता था, आउटपुट वाज डिस्प्ले एज प्रिंट आउट। जब आपको इस समय जो प्रिंट आउट निकल के आता है, जो आपके सामने दिखता है, उस तरह से दिखता था आपको, मतलब कि मॉनिटर पे नहीं दिखता था कि कोई चीज़ अब उसमें सुधार कर सकें, डायरेक्ट प्रिंटआउट पे उतर के आता था। ठीक है मेरे मित्र, तो मॉनिटर का यूज नहीं किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ये सभी मैंने बताया था, एनईए क्या होता है, ईडीवीएसी क्या होता है, यूनिक एसी क्या होता है। ठीक, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर देख लीजिए। ठीक, तो ये एग्जांपल होते हैं, ये अन्य कंपनियां जो हैं, आईबीएम की कौन सी है, आईबीएम की है मेरे मित्र। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, जैसे नोकिया का मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं प्रत्यक्ष आपको देता हूँ, जैसे नोकिया 1200 बहुत समय पहले आया था, नोकिया 1200, तो सेम उसी तरह से मेरे मित्र नोकिया 1200 आया, 1600 आया, ऐसे नोकिया के बहुत सारे मॉडल आए। तो वो मॉडल है, ये मॉडल नंबर है, उसी के आधार पे आप पहचान रहे हैं कि मतलब ये उस समय कौन से मॉडल की कंप्यूटर चल रही थी। तो आईबीएम कंपनी की ये मॉडल नंबर से चल रही थी, आईबीएम कंपनी की ये मॉडल नंबर से चल रही थी, और ये जो थे ये भी आपके उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है मेरे मित्र, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देख लिए। और अब आइए देख लीजिए डिसएडवांटेज पूछता है, फर्स्ट जनरेशन की डिसएडवांटेज में क्या है। ठीक, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, देखिए मेरे मित्र, उस समय के जितने भी कंप्यूटर थे बहुत बड़ी साइज की थी मेरे मित्र, बहुत बड़ी साइज की, कमरे जो एक 50x50 का कमरा होता है, इतनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स थी। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या हो गया, धीरे धीरे कमी करते गए, अभी देखिएगा सेकंड थर्ड में कैसे उसके साइज को कम कर रहे हैं। ठीक, तो उस समय कंप्यूटर के साइज बहुत बड़ी थी। ठीक, और उसको एक कंप्यूटर को बैठाने के लिए बहुत जगह हमको लेना पड़ता था,
कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी मेरे मित्र, ठीक, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, हीट जनरेट बहुत करता है। जैसे आज के भी डेट में देखिएगा कंप्यूटर के साइड में हीट मतलब हीट हीटर वाला लगा होगा होता है, तो मतलब उसको क्या होता है, वहाँ हाथ लगाएंगे तो जलने लगेगा आपका हाथ कुछ समय बाद, जलन फील मतलब कुछ आपको फील होने लगेगा, गर्मी फील होने लगेगा। तो इसी तरह से कि मतलब इस समय इतनी गर्मी है देती है, इतनी सुधार करने के बाद तो उस समय सोचिए कितनी गर्मी देनी पड़ती होगी। उसमें एसी लगाने पड़ते थे मेरे मित्र, कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एसी लगाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती थी। तो ये हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती थी। ओके मेरे मित्र, ये स्लो स्पीड, इसकी स्पीड जो फर्स्ट जनरेशन वाली कंप्यूटर थी इसकी स्पीड बहुत कम थी, ठीक, तो स्पीड भी बहुत कम थी। तो ये चारों इसके डिसएडवांटेज हैं, साइज बहुत बड़ा होता था, जगह लेता था ज़्यादा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था, ठीक, कीमती मतलब बहुत होते थे, हीट जनरेट करते थे जिससे एसी लगाने पड़ते थे और विद्युत चार्ज ज़्यादा पड़ता था, ठीक। और फिर यहाँ पर स्लो स्पीड, इसकी स्पीड बहुत कम थी। ये सारी बातें रही फर्स्ट जनरेशन में। तो क्या क्या याद करना है, मैं आपको हर एक चीज़ बता दिया, आपको क्या याद करना है, आपको जितनी भी चीज़ें याद करना है, लर्न करना है, मैं सारी चीज़ें फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है मेरे मित्र, सेकेंड सबसे पहले हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं भाई, ड्यूरेशन ही सबसे पहले आप देखते हैं कि किस समय से किस समय तक चला ये सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी जो है कितने से कितने समय तक चली, तो 56 से 63 तक चली। याद हो गया मेरे मित्र, पहला कहाँ से कहाँ था, 46 से 54 था, 1946 से 1954। दूसरा कहाँ से कहाँ हो गया मेरे मित्र, 56 से 63, समझ में आया, 56 से 63। तो ये इतना लर्न कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, बार बार मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी में ही परिवर्तन हो रहा है और टेक्नोलॉजी से ही हम इसकी जनरेशन को चेंज कर दे रहे हैं, कह रहे हैं ये सेकेंड है ये थर्ड है। तो इस समय कौन सी टेक्नोलॉजी हुई मेरे मित्र, इस समय ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, ठीक, इस समय क्या होने लगा मेरे मित्र, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। जो वैक्यूम ट्यूब जहाँ यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। अब वैक्यूम ट्यूब क्यों हटाया गया मेरे मित्र, एक ट्रांजिस्टर लगभग 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर कार्य करता था, समझ में आया, एक ट्रांजिस्टर लगभग, यहाँ जो ट्रांजिस्टर दिया है, एक ट्रांजिस्टर 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर काम करते थे, इसलिए वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और क्या कर दिया गया, ट्रांजिस्टर कर दिया गया, जिससे उसके साइज में भी कमी आ गया, ठीक, क्या हो गया, उसकी जो साइज होते थे साइज में भी कमी आ गए, ठीक है मेरे मित्र, समझ गए आप लोग। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। समय क्या है, 56 से 63 है, ठीक है, किसने इसका निर्माण किया, ठीक, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो मेरे मित्र जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ था उसी समय इसका निर्माण हो गया था, ठीक है, उसी समय क्या हो गया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। किसने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार, जैसे आपको वैक्यूम ट्यूब का बताए हैं, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो 1908 में हुआ था, उसी तरह से ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में ही हो गया था, लेकिन इसका उपयोग कंप्यूटर में कब हुआ, 1956 से 1963, यानी कि सेकेंड जनरेशन में हुआ। अब ट्रांजिस्टर जो था उसको किसने बनाया कंप्यूटर में, ये ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पूछेगा, ट्रांजिस्टर जो है किस जनरेशन में यूज हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ। ट्रांजिस्टर किसके स्थान पे यूज हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे यूज हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, ठीक है मेरे मित्र, तो ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, ठीक, किसने किया ट्रांजिस्टर का आविष्कार, किसने किया, तो विलियम साकले ने किया, किसने किया, विलियम साकले ने किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ऐसे ही आपको बताना है, ऐसे ही ट्रिक आपको याद रहेगा, आपको तुरंत लगा के आंसर पे ट्रिक चले जाना है। ओके मेरे मित्र, आपको नंबर गेन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हंसते खेल से खेलते आप घर आएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन जो था चल रहा था उस समय प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप, चिप जो आज चिप यूज होता है,
मेमोरी कार्ड यूज होता है, उसी तरह उसमें मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप थे। प्राइमरी के रूप में मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। तो ये रही आपके फर्स्ट जनरेशन वाली ही, जो मतलब फर्स्ट जनरेशन में जिसपे जो यूज किया जाता था उसी वही सेकेंड जनरेशन में भी यूज हो रहा था अभी भी, ठीक। ये यहाँ पर भी इनपुट के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप फर्स्ट जनरेशन वाला सेकेंड में भी यूज हो रहा था। यहाँ पर भी आपको प्रिंट आउट के रूप में डायरेक्ट मिल रहे थे, आपको डिस्प्ले मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ मतलब ये तीन चीज़ें आपकी जो हैं, ये तीनों चीज़ें फर्स्ट जनरेशन वाली ही है। परिवर्तन क्या हुआ, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर परिवर्तन हुआ, ट्रांजिस्टर का निर्माण कब हुआ, आविष्कार कब हुआ, ट्रांजिस्टर को किसने खोजा, ये सारे क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ट्रांजिस्टर किसके स्थान पे यूज हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे यूज हुआ। और ये जो थर्ड से फिफ्थ तक हैं, ये आपके फर्स्ट में भी थे, सेकेंड में भी हैं, ठीक है मेरे मित्र। थर्ड में बदलेंगे, देखिएगा कैसे क्या बदलता है, ठीक। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं। छठवें नंबर पे लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा, फोरट्रान जैसे लैंग्वेज, एल्गोल जैसे और कोबोल जैसा। क्या तीन पूछता है, देखिए क्या पूछता है, पूछता है फोरट्रान का यूज किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में यूज हुआ, एल्गोल का यूज किस पहली बार किस जनरेशन में यूज हुआ। तो मेरे मित्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूछेगा फोरट्रान या एल्गोल या कोबोल, किसी का भी नाम दे देगा, पूछेगा कब इसका यूज किया गया। तो मेरे मित्र आपको बताना पड़ेगा कि ये सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, फोरट्रान आया 1956 में, एल्गोल लैंग्वेज का यूज 1960 में हुआ, कोबोल का 1961 में हुआ, 1960 से 1961 में हुआ। तो ये आपको बताने पड़ेंगे मेरे मित्र, ये सेकेंड जनरेशन के लैंग्वेज हैं, ठीक, पहली बार सेकेंड जनरेशन में, और ये आज भी यूज किए जाते हैं, ठीक, कुछ जगहों पर आज भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने पिछले में भी बताया था, ये बार बार चेंज होते जाते हैं मॉडल नंबर, ठीक। तो उसी तरह से ये सारे कंप्यूटर्स जो थे आपके सेकेंड जनरेशन में यूज किए जाते थे, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। लर्न करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कहाँ कौन सा यूज हुआ है, और एग्जाम में ये रेयर केस में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। अब हम आते हैं, देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो मेरे मित्र, जो आपका वैक्यूम ट्यूब 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर एक ट्रांजिस्टर, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यूज होता था, केवल एक। अब बताइए 100 के जगह पे केवल एक यूज हो रहा है, तो उसकी साइज घट जाएगी ना, तो साइज में क्या हुई, कमी हो गई, ठीक, कॉस्ट में भी कमी हो गई, और जो हीट बहुत ज़्यादा दे रहा था अब उतना हीट नहीं दे रहा था। क्या अब उतना हीट नहीं दे रहा था, कुछ कमी हुई, और स्पीड भी इसका क्या हो गया, स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट थोड़ा सा स्पीड इसका अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड जनरेशन, सारी बातें मैंने बता दिया कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें याद करना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब कहाँ बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन के पास, और थर्ड जनरेशन में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। आप बताइए, आप पहले बताइए फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है मेरे मित्र, 1946 से 1954 तक है। सेकेंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है मेरे मित्र, बताइए सेकेंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 56 से कहाँ है, 63 तक है, 56 से 63 तक है। ऐसे ही आप लोग भी याद कर लीजिए ना, जिस तरह से हमको याद है उस तरह आप भी याद कर लीजिए। अब इसमें थर्ड जनरेशन की बात करें, 63 से 71 तक है, कहाँ से कहाँ तक, 64, ठीक, 63 तक तो वो रहा सेकंड जनरेशन रहा, अब 64 से 71 तक हो गया, ठीक है मेरे मित्र। कहाँ से कहाँ तक थर्ड जनरेशन में, सबसे पहले आपको याद करने पड़ेगा ड्यूरेशन क्या रहा। अब हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई जिसके कारण हम थर्ड जनरेशन में आ गए, कह दिए कि अब ये थर्ड जनरेशन है, अब सेकंड जनरेशन नहीं रहा। तो मेरे मित्र, जो सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था, उसके स्थान पे अब आईसी यूज होने लगा। क्या यूज होने लगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, जिसके कारण इसको थर्ड जनरेशन नाम दे दिया गया। ओके मेरे मित्र, तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो थर्ड जनरेशन में मेरे मित्र आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, ठीक। ये किसके स्थान पे यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट किसके, पूछता है
इंटीग्रेटेड सर्किट किसके स्थान पे यूज किया गया था? ये यूज किया गया था ट्रांजिस्टर के स्थान पे। किसके स्थान पे? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर किसके स्थान पे यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में, और आईसी थर्ड जनरेशन में। इस तरह से देखिए आपको लर्न कराते चल रहे हैं, ठीक है। और आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो मेरे मित्र जवाब दीजिए, आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या लिख रहा है। आईसी रिप्लेस्ड द ट्रांजिस्टर, मतलब आईसी जो आया थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटा दिया, ठीक, मतलब ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी का यूज होने लगा। कुछ लोग कहते हैं सर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है और आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए। मेरे मित्र हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं, लिखा भले है इंग्लिश में लेकिन इंग्लिश में हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं सेकेंड लाइन, देखते हैं क्या कह रहा है। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाई जैक किल्बी, ठीक, जैक किल्बी के द्वारा आईसी का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? जैक किल्बी के द्वारा आईसी का निर्माण हुआ था, और कब हुआ था? 1959 में। मेरे मित्र बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? आप लोग बताइए। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1908 में हुआ, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, हुआ था कि नहीं हुआ था? ये देश की आज़ादी के समय हुआ था, बताए थे आप लोगों को। अब ये हुआ 1959 में क्या हुआ था? आईसी का आविष्कार हुआ, ठीक, और इसका यूज कब हुआ? और थर्ड जनरेशन में 64 से 71 में, ठीक। किसने निर्माण किया था? जैक किल्बी ने। जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसका निर्माण कब हुआ, ठीक, तो जिस जनरेशन में रहेगा उसमें उसका आविष्कार कब हुआ और किसने आविष्कार किया और किसके स्थान पर आया, ये चार क्वेश्चन बनते हैं हर जनरेशन में। ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है किस जनरेशन में, ठीक, किसने उसका निर्माण किया, कब उसका निर्माण हुआ था और किस समय उसका यूज हो रहा है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको थर्ड जनरेशन में बता दिया। अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ हो रहा था, लेकिन मेरे मित्र बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ फिर से यहाँ पर। जो आप पंच कार्ड के माध्यम से अपने इंस्ट्रक्शन को दे रहे थे उसके स्थान पे अब कीबोर्ड और माउस आ गया। क्या आ गया मेरे मित्र? देखिए पूछेगा एग्जाम में यही पूछेगा कि थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था, तो मेरे मित्र ऐसे ही पूछेगा थर्ड जनरेशन में। तो आप पंच कार्ड पर क्लिक करके मत आइएगा मेरे मित्र, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड में हुआ, थर्ड जनरेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो आज भी यूज हो रहा है कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस का यूज यहाँ पर होने लगा, किसमें? थर्ड जनरेशन में। ओके मेरे मित्र, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो, द आउटपुट वाज डिस्प्ले एज मॉनिटर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन फिर से हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शन थे पहले उसको आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? आप पहले मॉनिटर पे उसको देख सकते हैं, फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंट आउट के माध्यम से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ मेरे मित्र, ठीक है। तो लेकिन ये बस ये ध्यान रखना है, ये चीज़ वही रह गया, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप ही रह गया, लेकिन यहाँ इनपुट डिवाइस के रूप में जो पंच कार्ड यूज होता था उसके स्थान पे कीबोर्ड और माउस का यूज होने लगा, और आउटपुट जो आपको डायरेक्ट प्रिंटर पे निकल के आता था अब आपको एक और माध्यम मिल गया, मॉनिटर मिल गया, और मॉनिटर पर आप पहले देख सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को, क्या क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, देखने के बाद तब फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा परिवर्तन मिला। और यहाँ देखिए यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस, देखिए मैंने क्या बोला था, पिछले यानी कि सेकेंड जनरेशन में भी आपका फोरट्रान का यूज होता था, एल्गोल का यूज होता था, कोबोल का यूज होता था, तो मेरे मित्र वही लैंग्वेजेस यहाँ पर भी थर्ड जनरेशन में यूज हुए। मतलब कि आपका ये तीसरा वाला और छठवां वाला ये दोनों परिवर्तन नहीं हुआ, वही का वही रह गया। मतलब कि जो मेमोरी कार्ड, जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर के रूप में और मैग्नेटिक डिस्क के रूप में थी, और जो हाई जो लैंग्वेजेस थी वो सेकेंड जनरेशन फोरट्रान और एल्गोल और कोबोल, ये तीनों चीज। लेकिन यहाँ पर एक और लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ, बेसिक लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है, बेसिक लैंग्वेज का निर्माण हो गया, तो एग्जाम में पुटअप किया जाएगा। जो बेसिक लैंग्वेज है उसका निर्माण कब हुआ, उसका यूज कब हुआ, तो मेरे मित्र तो यही हुआ
थर्ड जनरेशन में इसका यूज हुआ था, ठीक। बेसिक जो लैंग्वेज है इसका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, ये चीज़ बढ़ गई थी। ये तीनों तो आपकी फर्स्ट जनरेशन की है, ये चीज़ें बढ़ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़। ये सारे इसके मॉडल नंबर है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। ये सारे कंप्यूटर्स उस समय यूज होते थे, PDP कंप्यूटर यूज होता था, IBM ये मॉडल नंबर है, TDC ये है, IBM का ये है, हनीवेल का ये है। तो इस तरह से ये सारे मॉडल्स थे कंप्यूटर के, उसके यूज होते थे, ठीक है। अब इसके देखिए, IC चिप्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। IC जो देखिए क्या है, IC क्या है, लगभग सौ की संख्या के ट्रांजिस्टर का काम अकेला IC करता था। मतलब एक IC लगभग 100 ट्रांजिस्टर के बराबर थे, और एक ट्रांजिस्टर लगभग 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर थे। तो सोचिए, एक IC 100 ट्रांजिस्टर के बराबर है, मतलब कि इसके ऊपर एक IC के ऊपर कितना लोड आता होगा। क्योंकि 100 ट्रांजिस्टर का काम अकेले कर रहा है ना, तो इससे साइज में कमी हो गई। साइज में क्या हो गई, थर्ड जनरेशन में कमी हो गई कंप्यूटर्स के साइज में। और फिर यहाँ पर क्या हो गया, IC का यूज हुआ तो इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता था, ठीक। तो लोड बहुत ज़्यादा पड़ता था, आप लोग समय समय पे सुनते हैं TV में IC होता, कहते हैं IC जल गया है, ठीक। तो IC जल गया है, आपके DVD में भी होते हैं ऐसे बहुत, मतलब हर जगह लगभग यूज होते हैं IC। तो कहते हैं सब IC जल गया। तो मेरे मित्र, IC वही IC है, तो IC जलती फूकती रहती है, इसलिए उसके मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो अब आगे जो अगली पीढ़ी है, अगला जनरेशन है, अगले जनरेशन में फिर से इसका चेंजेज हुआ। फोर्थ जनरेशन में फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और उस फोर्थ जनरेशन का पहले ड्यूरेशन देख लीजिए क्या क्या है। 1971 से 1980 तक, कहाँ से कहाँ तक है, 71 से 80, यानी 10 साल तक ये है, ठीक। 71 से 80 तक है, समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन बताइए कहाँ से कहाँ तक है, आपको याद करना है। फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट जनरेशन मेरे मित्र कहाँ से कहाँ तक है, 1946 से 1954 तक है, ओके। सेकेंड जनरेशन बताइए कहाँ से कहाँ तक है, 1956 से कहाँ तक है, 1963 तक है। और मेरे मित्र, थर्ड जनरेशन बताइए कहाँ से कहाँ तक है, 1964 से कहाँ तक है, बताइए कहाँ तक है, 1971 तक है। और जो ये फोर्थ जनरेशन चल रहा है, 1971 से, फोर्थ जनरेशन जो हो गया 1971 से कहाँ तक, 80 तक है, कहाँ तक है, 1971 से 80 तक है। तो ये सारी बातें रही, अभी ड्यूरेशन आप लोगों को बताया, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार याद दिला रहा हूँ, हर बार आपको बता रहा हूँ, हर जनरेशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जनरेशन की बात रही, अब हम बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की बात, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसके कारण कहा गया ये फोर्थ जनरेशन है। तो मेरे मित्र, ये LSI और VLSI, ठीक, इसका यूज किया गया, ठीक। इसका फुल फॉर्म पूछता है, LSI का फुल फॉर्म क्या होता है, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। LSI जो है, इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का वेरी लगा देंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझ में आया मेरे मित्र, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी है मेरे मित्र, इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके जनरेशन को बदल दिया गया, कहा गया ये फोर्थ जनरेशन है, इसका ड्यूरेशन ये है, समय काल ये है, ठीक। इसमें देखिए क्या किया गया, MS-DOS एंड MS-Window का यूज किया जाने लगा मेरे मित्र। क्या किया गया, MS-DOS एंड MS-Window का यूज, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, DOS का पूछता है, MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे मित्र, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। MS माइक्रोसॉफ्ट होता है, MS का तो जानते ही हैं आप लोग, M से माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो गया MS का। लेकिन मेरे मित्र, DOS का जो फुल फॉर्म होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है मेरे मित्र। तो ये याद कर लीजिएगा, पूछता है DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो आप लोगों को पता चल गया, DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसमें कौन सी लैंग्वेजेस का यूज किया गया, कौन सी लैंग्वेजेस का। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर कोबोल होता था, एल्गोल होता था, तो ये सारी बातें होती थी और बेसिक होती थी ये थर्ड में। लेकिन फोर्थ में देखिए, यहाँ C, C++, D base,
मतलब अभी बहुत से लैंग्वेजेस हैं, मतलब ये बहुत मेन है, आपको याद करना पड़ेगा सी, सी प्लस प्लस, डी बेस। तो इस लैंग्वेज का यूज फोर्थ जनरेशन में हुआ। लैंग्वेजेज हैं ये मेरे मित्र, ठीक, इसके रूप में इनपुट आप देते हैं तो वो अपना डाटा स्टोर करता है, तो ये लैंग्वेजेज हैं। तो इसको कौन सी मतलब फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस का, सी, सी प्लस प्लस, डी बेस का यूज किया जाता था। सेकेंड और थर्ड में आप लोगों को बताए हैं क्या क्या होता था, एल्गोल होता था, फोर्ट्रान होता था, बेसिक होता था, थर्ड में बेसिक होता था, सेकेंड में बेसिक नहीं होता था, कोबोल होता था सेकेंड में, ठीक, सेकेंड में कोबोल भी होता था। तो तीन सेकेंड वाले में तीन थी और थर्ड वाले में चार हो गए, और ये फोर्थ में जब आया, फोर्थ जनरेशन में जब आया तो इसमें ये लैंग्वेजेस बदल गए, सी, सी प्लस प्लस, डी बेस हो गया। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा फिर से चेंजेस हुआ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का यूज होने लगा मेरे मित्र, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आज के डेट में आपको गेम खेलना हो तो बिना ग्राफिक का आप गेम नहीं खेल सकते हैं मेरे मित्र, और वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ग्राफिक चाहिए तभी आप गेम खेल पाएंगे, ठीक। कोई भी एनिमेशन वर्क करना हो तो आपको ग्राफिक चाहिए, बिना ग्राफिक का काम नहीं होने वाला है मेरे मित्र, ठीक है। तो जो ये फोर्थ जनरेशन था उसमें ग्राफिक कार्ड, मतलब ग्राफिक ये टेक्नोलॉजी जो थी, GUI वाला टेक्नोलॉजी थी, इसकी भी यूज होने लगी। अब इसकी एग्जांपल ये सारे हैं, इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, IBM, मतलब जो भी हैं आप देख लीजिएगा। तो ये रहे फोर्थ जनरेशन, ठीक, और आप कंटिन्यू द JN स्मार्ट क्लासेस के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, और आप इसको, इसकी उंगली को, द JN स्मार्ट क्लासेस की उंगली को पकड़े रहिए मेरे मित्र, पकड़े रहिए। सफलता की गारंटी तो हम देते हैं, नंबर कहाँ से उठता है हम आपको दिलवाते हैं, ठीक, हम आपको दिलवाते हैं। आप दे करके आइएगा CCC का एग्ज़ाम, आप दे करके आइएगा UPSSC का एग्ज़ाम, आप दे करके आइएगा किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, ठीक। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन न पुटअप किया जाएगा तब आके उस दिन आप हमसे कहिएगा, ठीक है। मैं तो आपको गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ मेरे मित्र, आप लोगों को गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक। तो द JN स्मार्ट क्लासेस के साथ आप लगे रहिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये नहीं कि सर आया नहीं था, मैंने एग्ज़ाम दिया आया नहीं था, आएगा मेरे मित्र, ध्यान से तो पढ़ो जितना पढ़ाया जा रहा है। 20-25 लेक्चर लिया जाएगा कंप्यूटर का, कंप्लीट किया जाएगा आपका कोर्स इतने 20-25 लेक्चर, 30 लेक्चर में, 30 लेक्चर से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। और आपको कंप्यूटर की पूर्ण जानकारी, आधे घंटे जो 45 मिनट के लेक्चर होते हैं देखते रहिए, डेली का डेली देखिए, 30 लेक्चर से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा इसके ऊपर, और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इतने में से ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हम कहीं कोचिंग करने चले गए यार, वहाँ 3-4 महीने CCC का कोर्स करा रहे हैं, समय भी ले रहे हैं, कोचिंग में भी जा रहे हैं, कोचिंग से आ भी रहे हैं, 3-3 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मित्र, आपको अपने लैपटॉप में, आपको अपने मोबाइल में केवल आधे घंटे 45 मिनट पढ़ना है, न कहीं जाने की ज़रूरत है, न आपको पैसा 2000-3000 देने की ज़रूरत है, 4000 न पैसा देने की ज़रूरत है, न कहीं से जुगाड़ पानी लगवाना है, या CCC का सर्टिफिकेट लेना है तो अब हम 2000 रुपया दें और ए ग्रेड मिले, बी ग्रेड मिले, तो ये सारी बातें नहीं करना है मेरे मित्र। आप बस द JN स्मार्ट क्लासेस का साथ पकड़े रहिए, और हाँ, आप लोग अगर मैं यहाँ से पढ़ रहे हैं तो द JN स्मार्ट क्लासेस के ऋणी हैं, क्योंकि द JN स्मार्ट क्लासेस आपसे एक चवन्नी ले नहीं रहा है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट किया जाएगा मेरे मित्र, जितने भी वीडियो आप लोग देखते हैं बस उस वीडियो को कुछ नहीं, केवल और केवल 10 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप अपने मित्र, आप अपने दोस्त, आप अपने भाई, आप अपनी बहन, मतलब किसी के भी पास शेयर कर दीजिए, 10 लोगों के पास, बस मैं समझूंगा मेरा पढ़ाया सार्थक हो गया। बस आपको शेयर कर देना है 10 लोगों के पास, और 10 लोगों के पास शेयर कर देना है, और आगे लोगों को कहते जाना है कि द JN स्मार्ट क्लासेस है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से सक्सेस मिल सकती है, ठीक है मेरे मित्र। तो ये सारी बातें रही, ये मेरे तरफ से मेरी कुछ भावनाएं हैं जो मैंने आप लोगों के साथ व्यक्त किया, ठीक है। तो ये आप लोग अगर में समझते हैं कुछ द JN स्मार्ट क्लासेस को, आप इससे एजुकेशन लेते हैं, तो मेरे मित्र आपका इतना फर्ज बनता है, आप हम लोगों के लिए करें, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें, ठीक है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक। फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो मेरे मित्र यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी, कौन सी एग्जाम में देगा ऐसे ही, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है मेरे मित्र। तो AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, क्या AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया गया,
और इसका ड्यूरेशन देखिए फिफ्थ जनरेशन। डियर फ्रेंड्स, आप एप्पल का लैपटॉप लेने जाइए, आपको क्या मिलेगा? अधिकतर लैपटॉप फिफ्थ जनरेशन के मिलेंगे, सिक्स जनरेशन के बहुत कम, ठीक, सेवन जनरेशन। मतलब क्या है कि आज की डेट में जो भी टेक्नोलॉजी का यूज, मतलब जो भी जनरेशन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि आने के लिए तो अर्थ जनरेशन तक आ गया है, सेवन जनरेशन, अर्थ जनरेशन, इस तरह से नाइन जनरेशन की प्लानिंग है। तो ये सारी बातें क्या है, जनरेशन तो आने वाली है, लेकिन यही फिफ्थ जनरेशन पे बंद हो गया ये, और आने के लिए तो आ रही हैं, लेकिन इतनी मतलब उसमें कहानी भरी पड़ी है कि आप लोगों को याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसीलिए संस्था बोर्ड ने क्या किया, अब उसके आगे ये नहीं प्रोवाइड किया कि कौन से सिक्स जनरेशन में क्या आएगा, सेवन जनरेशन में क्या आएगा, तो ये सारी बातें नहीं, आपको यही फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ना है। इसमें क्या यूज होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI का यूज होता था। देखिए, यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल, तो यहाँ ULSI का यूज होता था, यहाँ 64-bit, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। आप देखते होंगे, आप लैपटॉप लेते होंगे, अगर मैं, हाँ मेरे मित्र, 32 यानी 32-bit का अभी भी मिलता है, अवेलेबल है, 32-bit का अगर मैं मिलता है तो आप लोग उस लैपटॉप को मत परचेज कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं कीजिएगा, आप उससे पूछने जाइए, आप उस लैपटॉप लीजिए तो इतना ज़रूर पूछ लीजिएगा, प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर है कितने बीट का है। तो मेरे मित्र 32-bit वाला मत लीजिएगा, 64-bit वाला अगर कोई भी लेने जाता है तो उसको ये सजेशन दीजिएगा, 64-bit का ही वो लैपटॉप ले, ठीक। अभी देखिएगा क्या होता है, आखिर क्यों 64-bit का लेना चाहिए। मेरे मित्र, 64-bit माइक्रो प्रोसेसर एक समय में 64-bit डाटा को प्रोसेस करता है, लेकिन 32-bit का जो होता है वो केवल और केवल एक सेकेंड में आपका क्या 32-bit डाटा को ही प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हैं, जो 64-bit वाला है वो दोगुना स्पीड का है, मतलब इससे दोगुना स्पीड का ये होता है। आप बताइए, रुक रुक के काम हो वो बढ़िया है, ये एकदम फ्रैंक काम हो वो बढ़िया है, ठीक। तो इसलिए मेरे मित्र यहाँ पर दोगुना स्पीड मिल जाता है। और हाँ, आज के डेट में जितने भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, 32-bit वाले बहुत कम यूज हो रहे हैं, आपके 64-bit वाले ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो कभी परचेज करने जाइए, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी परचेज करने जाइए, तो यहाँ पर ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पता चले आप खरीद के लेकर चले आए, परचेज करके लेकर चले आए, और आपको अगर मैं कुछ करना हो तो वो मांग रहा है 64-bit आपका लैपटॉप होना चाहिए, और आपने लेकर के आया 32, तो इस तरह से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो आप ये इतना यहाँ 64-bit प्रोसेसर का यूज होने लगा, और ऑल द हाई लैंग्वेजेस मेरे मित्र इस समय आज के डेट में फिफ्थ जनरेशन, सिक्स, सेवन, एर्थ जो भी चल रहा है, इसमें इतना एडवांस हो चुका है मेरे मित्र। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कंप्यूटर की डिफिनीशन को दिया था, कंप्यूटर या एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आज की डेट में एकदम एडवांस हो गया है। किसी समय कहा जाता था एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन आज की डेट में मेरे मित्र कहा जा रहा है एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक, कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं मेरे मित्र, आज की डेट में एडवांस हो गया, क्यों हो गया है, अब इतने हाई मतलब लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं हाई लेवल का। आप अगर मैं आज के डेट में ऐसे कमांड हो गए हैं, आप अपने वाणी से, अपने शब्दों से एक लैपटॉप को कमांड कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को कमांड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी आंखों की सहायता से एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर को कमांड कर सकते हैं। मतलब क्या देख रहे हैं, जो इनपुट आप पंच कार्ड के माध्यम से देते थे, जो इनपुट आप कीबोर्ड के माध्यम से देते थे, वो आज के डेट में क्या हो गए हैं, बहुत ही हाई हो गए हैं। आप अपनी आंखों की सहायता से भी आप अपने इनपुट को दे सकते हैं, अपने वॉइस की सहायता से भी इनपुट को दे सकते हैं। जैसे आप कहते हैं यार मेरा फिंगरप्रिंट है, तो फिंगर से भी आप अपने इनपुट को दे दे रहे हैं। जिससे आप जैसे ही मोबाइल में फिंगर वाला रहता है, वहाँ पर लगाते हैं और तुरंत आपका मोबाइल खुल जाता है। तो मेरे मित्र आप क्या किए, इनपुट के रूप में अपने मोबाइल से अपने स्कैन किया, ठीक है। तो ये सारी बातें इतना एडवांस हो चुका है, तो फिफ्थ जनरेशन से एयर्थ जनरेशन तक ये सारी बातें बहुत ही एडवांस हो चुकी है, ठीक। तो ये बहुत ही हाई लेवल के जो आजकल लैंग्वेजेज यूज हो रहे हैं मेरे मित्र। यहाँ नेचुरल लैंग्वेजेज जो मैंने बताया आपको, नेचुरल लैंग्वेजेज भी यूज होने लगे हैं। मैंने बताया है, क्या बताया है, आप अपनी वाणी से भी, अपनी शब्दों से भी आजकल कंप्यूटर के पासवर्ड लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, उसको कमांड कर सकते हैं कंप्यूटर उसको, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक, तो ये लैपटॉप आज के डेट में क्या यूज हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है, डेस्कटॉप हो रहा है, ठीक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक यूज हो रहा है, अल्ट्राबुक यूज हो रहा है, क्रोमबुक यूज हो रहा है। तो ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं जो आज के डेट में यूज हो रहे हैं। ठीक, तो ये फिफ्थ जनरेशन 10 GN स्मार्ट क्लासेस का साथ पकड़े रहिए, कंटिन्यू पकड़े रहिए। अभी आगे कुछ और बातें करना है मेरे मित्र, तो छोड़ के मत जाइएगा। मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास, कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी जानकारी हो तो आपके पास तुरंत का तुरंत चला जाए। तो मेरे सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक कर लीजिए, कमेंट करके बताते रहिए हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारी टीम कैसे पढ़ाती है, ठीक, तो और क्या डेवलप करना चाहिए, क्या नहीं डेवलप करना चाहिए, कमेंट करके बताते रहिए कंटिन्यू। और मेरे मित्र, ठीक, एक चीज़ और कर दीजिए, मैं बताया हूँ कि अगर मैं आप लोग हम लोगों से पढ़ रहे हैं, हम लोगों से नॉलेज ले रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ मेरे मित्र, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुरु कह रहा है कि आप हमारा ऋण चुका सकते हैं, बस एक काम करके 10 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, 10 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और कभी आप किसी से मिलिए, कंप्यूटर के बारे में बात करता है जानने के बारे में, तो उसको बता दीजिए भाई मेरे मित्र 10 GN स्मार्ट क्लासेस है और ऐसे तरीके से पढ़ाता है कि मतलब कि आपका कोई भी कंपटीशन हो, चाहे CCC हो, चाहे किसी कंपटीशन की बात हो, तो वहाँ से आपको नंबर्स गेन हो जाएं। और ये सारी बातें हैं मेरे मित्र, अभी आगे देख लीजिए क्या है वो। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर मैं आप लोग पढ़े हैं मेरे साथ, शुरू से अंत तक पढ़े हैं, तो इसके क्वेश्चन के आंसर आप तुरंत दीजिए। व्हाट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो मेरे मित्र कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था बताइए, कौन सी टेक्नोलॉजी, तो मेरे मित्र IC का यूज किया गया था। ठीक, फर्स्ट में कौन किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में कौन किया गया था, ट्रांजिस्टर, और थर्ड में IC का यूज किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ICU होगा थर्ड जनरेशन में। माउस एंड कीबोर्ड, तो ये कौन सी जनरेशन में आया, आप लोगों को बताना है। वैक्यूम के आविष्कारक कौन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस, डॉस का फुल फॉर्म आप लोगों को बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं और कई बार बताए हैं, और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ बताइए मेरे मित्र, ये सब बताइए तुरंत का तुरंत, नीचे आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ULSI, यूनिवेक 1108 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, आप तुरंत रिप्लाई दीजिए मेरे मित्र, नीचे कमेंट में आप तुरंत का तुरंत लिखिए, ताकि मेरे तक पहुँचे और देखें कितने लोग मेहनत करके पढ़े हैं, कितने लोग वैसे ही पढ़ते गए हैं कि भाई चलो हटाओ। तो आप लोग मेहनत करके पढ़े हैं, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग आंसर जरूर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए और घंटे पर दबा लीजिए मेरे मित्र, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, और अपने मित्र लोगों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट 1 सीट इन योर एग्जामिनेशन, इट्स माई विशेस, विश यू ऑल द बेस्ट डियर।